महान प्लेयर से इतनी छोटी सी मूव कैसे मिस? लुक, आई नो अब एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं वो पहला ही लड़का हूँ ना जिसने तुम्हें किस करने के लिए पूछा है। वैसे भी तुम बहुत ईगर लग रहे हो। चीप हरकतें और चीप बातें करने में तुमने PhD की है ना? यू विश, मैंने तो नहीं पर तुमने जरूर की है। यू नो व्हाट, तुम्हारा स्टेटस तभी तो है नेवर बीन किस्ड बिफोर। बी इन योर लिमिट्स। तुम्हें पता है जब तुम मुझे उंगली करती हो ना तो मेरी लिमिट्स अपने आप क्रॉस हो जाती है। तुम्हारा ये बेमतलब का जो गुरूर है ना उसे तो मैं तोड़ कर रहूंगी और तुम्हें बेइज्जत करके पूरे संजीवनी से बाहर निकाल डालूंगी। यू नो, मुझ पे कॉन्सेंट्रेट करने से ज्यादा तुम अगर अपनी गेम पे कॉन्सेंट्रेट करोगी ना तुम्हारे लिए बेटर होगा। बट वेयर अ सेकंड, तुम गेम पे कॉन्सेंट्रेट क्यों करोगी? तुम्हें तो मुझसे किस चाहिए ना? किस चाहिए ना? किस चाहिए ना? पापा ने बताया कि तुम हमारे घर रहती हो। हाँ, वो कुछ दिनों से नाइट ड्यूटी है तो शायद घर पे देखा नहीं होगा। ऑलराइट, सी यू एट होम। लेकिन हाँ, तुम्हारी टीम हारेगी जरूर, क्योंकि एक फुटबॉल खेलता है और दूसरा खेलता ही नहीं। स्पेशली योर कैप्टन, ये मैसेज उसे जरूर दे देना कि मैं उसे हरा कर रहूंगी। वो शायद थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि अब इस टीम में मैं भी खेलूंगा। ऑल द बेस्ट। मैंने गलत टाइम में पंगा तो नहीं ले लिया? मेरा घर तो नहीं छूट जाएगा? गेम डॉक्टर सिद्धांत के पास है और वो सबको डॉच करते हुए बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और ये बास्केट, सेकेंड हाफ का पहला बास्केट जूनियर्स के नाम। जूनियर्स अभी भी आगे हैं। गंदा हो गया। नैना गेम में इन्वॉल्वमेंट दिखाते हुए और ये उनका बास्केट। डॉक्टर जेपी बॉल लेके आगे आ रहे हैं और ये उनका पहला बास्केट।
डॉक्टर सिद्धांत डॉक्टर रिधिमा को ब्लॉक कर रहे हैं, पर डॉक्टर रिधिमा ने अच्छा डॉच किया और ये उनका बास्केट। डॉक्टर युवराज ने अच्छा जंप किया और ये बास्केट। सीनियर टीम का स्कोर है 58 और 5 पॉइंट से आगे है जूनियर टीम ऑन 63। पापा पूछ रहे थे कि डिनर घर पे करो या हॉस्पिटल में ड्यूटी। जेपी ये भी अच्छा खेल रही है। अब देखते हैं अच्छा कौन खेलता है। रिद्धि क्या मस्त बदल गया ना, नैना को क्या लल्लू बनाया। बातें करना बंद कर, गो ग्रैब द बॉल। यार लड़कियां कितनी बॉसी होती है, लगता है डॉक्टर कीर्ति से इंस्पायर्ड है। सर आप लगता है लड़कियों के बारे में काफी अच्छे तरीके से जानते हैं। अच्छा कैसे? वो पीछे लड़की को देखिए ना, आप ही को देखिए। अच्छा वापस उनको बनाएगा, ये ले मौका दे रहा हूँ, बास्केट करके देखा। कूल मेरा क्या जा रहा है भैया। अरे तरीके पुराने हो चुके, कुछ नया है। डॉक्टर रिधिमा बॉल लेके आगे जा रही हैं और ये सीनियर्स का बास्केट। गेम खत्म होने के लिए सिर्फ एक मिनट बचा है और जूनियर टीम का स्कोर है 70 और सीनियर्स है 68 पर। अतुल अब ऑप्शन यही है कि रिधिमा को 3.9 से शॉट मारना पड़ेगा, यही हमारे लिए चांस है। Come on, Ridhima, you can do it. बॉल ले लीजिए सर भैया। Come on, Ridhi. Come on, sir भैया. Come on, sir. Come on, sir भैया. Come on, Ridhi. Ridhi, come on. Come on, Ridhima, come on. क्या हो रहा है? अरे बज रही क्यों नहीं? याद है अगर मैं जीती तो तुम्हें अपना मुख काला करवाना होगा। सर भैया हम वाकई हार गए। मैंने सीटी बजाई थी यार, लेकिन पता नहीं क्यों बजी नहीं यार, टाइम भी खत्म हो गया था।
असली चेहरा और इसी चेहरे को लेकर कल संजीवनी में आना। हाँ छोड़ो मेरा। जिगी इसे बता असली स्कोर क्या है, बता इसे। जिगी बता, टाइम खत्म हो गया था। मुझे कुछ नहीं पता, गेम खत्म, अब मैं रेफरी नहीं हूं। पता असली स्कोर क्या है, पता टाइम खत्म हो गया था कि नहीं। जिगी डरने की कोई जरूरत नहीं, बताओ सच क्या है। एक्चुअली टाइम खत्म हो गया था, मैंने सीटी बजाई थी लेकिन इस सीटी बजी नहीं। सबके सामने मैं तुम्हें किस करूंगा, किस करूंगा। जीत सेलिब्रेट करने की बहुत जल्दी है ना तुम्हें, बट डोंट वरी, तुम्हारी जीत से ज्यादा तुम अपनी हार को इंजॉय करोगी। आज मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूंगा अपने हाथों से, या कहूं अपने मुंह से। कचरे को मुंह नहीं लगाता। और वैसे भी मैं ऐरी गहरी चीजों को मुंह नहीं लगाता, चीजों को मुंह नहीं लगाता, चीजों को जिंदगी में कभी शादी करोगी ना तो एक ऐसे इंसान के साथ करना जो अंधा हो, क्योंकि वैसे भी शादी के बाद सुहागरात के दिन तो वो तुम्हें देख के ही अंधा हो जाएगा। अरमान, अरमान तुम्हें छोड़कर चला गया रितिमा। और वैसे भी मैं ऐरी गहरी चीजों को मुंह नहीं लगाता, मैं कचरे को मुंह नहीं लगाता। और वैसे भी मैं ऐरी गहरी चीजों को मुंह नहीं लगाता, वैसे भी मैं ऐरी गहरी मैं कचरे को मुंह नहीं लगाता। Oh,
लेडीज एंड जेंटलमैन, इसी के साथ हमारे सीनियर बैच ने एक बहुत ही शर्मनाक हार सही। यार सर वो सब तो ठीक है, बट डोंट यू थिंक कुछ ज्यादा ही हो गया? आई मीन डॉक्टर रिधिमा बहुत अपसेट लग रही थी। डूड, वो तो उसे ना शर्त लगाने से पहले सोचना चाहिए था। जब दम होता नहीं है तो शर्त लगाते क्यों? आई मीन वो जीत कहां सकती थी? उसे बात करने के अलावा कुछ आता हो तो जीते ना। मुझे तो लगता है वो डॉक्टर भी नहीं है, सिर्फ अपने डैड की वजह से बन गई है। जो भी हो गाइस, हमने उन ओल्डीज को प्रूव कर दिया दैट वी आर द बेस्ट। आर यू श्योर डॉक्टर सिद्धांत? बास्केटबॉल का मैच जीतने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आपने कोई रिकॉर्ड बना लिया है। मुझे लगता है कि अब आपको हमारे पुराने इंटर्न्स, खास करके डॉक्टर रिधिमा के बारे में जान लेना चाहिए। फॉलो मी। मैं कचरे को मुंह नहीं लगाता, नहीं लगाता। रिधिमा, मैच कैसा था? यू नो बेटा, गेम में हार जीत तो होती रहती है, राइट? अच्छा सुनो, बाय द वे, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। तुम्हारे जाने की सारे अरेंजमेंट्स हो चुकी हैं और वीजा भी स्टैंप हो चुका है, सो एवरीथिंग्स ऑल सेट। हे हे रिधिमा, लुक, मॉम की और मेरी चिंता बिल्कुल मत करना, वी विल बी फाइन। काफी थकी हुई लग रही हो, जाओ आराम कर लो। तुम जैसी लड़कियां ना सड़के आगे पीछे घूमती हो, आगे पीछे घूमती हो। एटीट्यूड एंड कचरा, दे डोंट गो अलोन, दे डोंट गो अलोन। आज मैं तुम्हें बताऊंगा मेस्टिशन होती क्या है, होती क्या है। मैं कचरे को मुंह नहीं लगाता। पापा, जब अरमान मुझे छोड़कर चला गया तो मैं अपने आप को रोज कोसती थी, भगवान से नाराज होती थी और पूछती थी कि क्यों, क्यों मुझे छोड़कर चला गया वो। अरमान गलतियां करता रहा और मैं उसे करने देती रही, वो मुझसे लड़ता रहा और मैं उसे लड़ने देती रही। उसने जो कुछ भी किया मैंने उसे करने दिया। उसने मेरे जज्बातों का फायदा उठाया, लेकिन गलती उसकी नहीं थी पापा। आपने सही कहा था पापा, इंसान सही मायने में तभी आगे बढ़ता है जब वो अपने डर का सामना करता है। और मैं अपने सबसे बड़े डर का सामना करूंगी पापा। मैं अपनी यादों को अपनी ताकत बनाऊंगी। मैं साबित कर दूंगी कि मैं कमजोर नहीं हूं। आज से लोग मुझे वैसा ही ट्रीट करेंगे जैसा मैं चाहती हूं। मैंने फैसला कर लिया है पापा, मैं आपको और मामा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। सच? पद्मा, पद्मा, तुमने गलत लड़की से दुश्मनी मोल ली है, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आई विल मेक योर लाइफ अ लिविंग हेल डॉक्टर सिद्धांत मोदी, जस्ट वेट एंड वॉच।